अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स अ टूल और अ मीन दैट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एनीथिंग दैट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी चीज जो हमारी हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या के दौरान, जो चीज़ हमारी हेल्प करती है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब ट्रांसपोर्ट की टाइप्स, ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वी हैव डिवाइडेड ट्रांसपोर्ट इनटू टू टाइप्स, एंशियंट टाइप्स एंड मॉडर्न टाइप्स। हमने ट्रांसपोर्ट को दो टाइप्स में, दो अकसाम में डिवाइड किया है, एंशियंट यानी कदीम पुरानी, और मॉडर्न यानी जदीद आजकल की। ठीक है, एंशियंट में हमारे पास वी हैव टांगा, टांगा जो आम टांगा हम आजकल हमारे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, लाहौर कराची में इसका जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा है। अबुलॉक काट, जो आपने देहातों में और गांव में देखा होगा, जो बैल होता है, बैल की मदद ली जाती है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। देहातों में गांव में बैल के साथ पीछे एक कनेक्शन, जैसे टांगे में कनेक्शन होती है ना, तो कार्ट यानी कार्ट लगाया जाता है बैल के साथ और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बोट्स एंड शिप्स, पहले ज़माने में आज से 500-600 साल पहले जब लोग तिजारत किया करते थे कश्तियों में, ठीक है, तो उसको भी हमने एंशंट यानी कदीम पुरानी टाइप की ट्रांसपोर्ट में हमने उसको शामिल कर दिया गया है। सो मेनली ये तीन चीज़ें मैंने पुरानी टाइप की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मैंने इंक्लूड कर दी थी। ठीक है, एंशियंट मीन्स ओल्ड पुरानी। नाउ कम टूवर्ड्स मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट एरोप्लेन। एरोप्लेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एरोप्लेन वॉज मेड बाय टू ब्रदर्स इन 1903। देयर नेम्स वर विल्बर राइट एंड ओलिवर राइट। दो भाई थे जिनका नाम विल्बर राइट और ओलिवर राइट। उन्होंने 1903 में ये तजर्बा किया और तजर्बा कामयाब रहा। ठीक है, ओके, तो 1903 में एरोप्लेन की यानी हवाई जहाज की ईजाद हुई। ट्रेन इन 19th century, ट्रेन 19वीं सदी की ईजाद है, जब 19वीं सदी में यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंपटीशन जारी था, एक किस्म का मुकाबला जारी था कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट चाहता था किस तरह मैं यूरोप से आगे बढ़ूं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे अपने मुल्क में यानी यूएसए में मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह उन्होंने यूएसए ने रेलवे लाइन बिछाई। तो रेलवे लाइन जैसी बिछाई तो बिछाने के फौरन बाद ही ट्रेन का भी उन्होंने तजर्बा किया जो कि कामयाब रहा। तो ये वो वक्त था जब यूएसए यानी अमेरिका बहुत तेज़ी से तरक्की करता चला गया। तो ये 1880 से लेकर 1920 तक, ये 40 साल हम कह सकते हैं कि यूएसए ने इतनी तरक्की की कि 1920 के बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने यूएसए ने यूरोप को क्रॉस किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेन की ईजाद है वो 1880-1890 इस तरह कुछ है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं 1800 तो इसका मतलब 19th century ट्रेन। नाउ कम टुवर्ड्स कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, बाइक्स, रिक्शा,
ओके, ये सब आप जानते हैं। सो ये मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ें आती हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया, एंशंट पुरानी, मॉडर्न नहीं, ठीक है, ये दो चीज़ें तो हो गई, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन में ये है कि व्हाट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट टू रन, ट्रांसपोर्ट को कौन सी चीज़ हेल्प यानी मदद प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। जाहिर सी बात है, बहुत आसान, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस, डीजल और पेट्रोल, ये चार चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। बहुत सिंपल है, इसकी अदम मौजूदगी में, इसकी एब्सेंस में ट्रांसपोर्ट कैन नॉट रन, ठीक है। अच्छा, ये तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मैंने लिखा है, मॉडर्न आजकल के, एंशंट ट्रांसपोर्टेशन में यानी टांगा, एबुलॉग कार्ट, बोट्स एंड शिप्स में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। वो हाथों से अगर कश्ती में जाना हुआ करता था, वो चप्पू चलाते थे, और टांगा, जाहिर सी बात है, टांगा को किसी किस्म की भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं टॉपिक के आखिरी हिस्से की जानिब। कंपेयर किया है मैंने ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन को मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के साथ, मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, मवाजना किया है। ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट वुड टेक टाइम, जब भी हम जाया करते थे टांगे में या बुलॉक कार्ट में या कश्तियों में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना हुआ करता था तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन आज का जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है, हवाई जहाज़ हैं, ट्रेन हैं, गाड़ियाँ हैं, इट सेव्स टाइम्स, इससे हमारी टाइम की बचत होती है। अच्छा, ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि मैंने कहा टाइम ज़्यादा लगता था, फटीक मतलब थक जाना, लोग थक जाते थे, मुसाफिर थक जाते थे। लेकिन आजकल हम हवाई जहाज़ में जाते हैं, बसों में जाते हैं, बहुत दूर का फासला भी जब तय करते हैं तो थकते नहीं इतनी जल्दी, लग्जीरियस मीन्स आरामदेह, फटीक थक जाना, लग्जीरियस आरामदेह। ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन में आप जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज़ चीप, चीप मीन्स जब हम इन चीज़ों में सफ़र किया करते थे आज से 500, 600, 700, 800 बल्कि 1000 साल पहले, तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, मतलब ख़र्चा बहुत कम आता था, एक्सपेंस कम हुआ करता था। पर टुडे इफ़ आई वांट टू हैव द फैसिलिटेशन ऑफ एरोप्लेन, सो डेफिनेटली द टिकट इज़ टू मच कॉस्टली, इसकी जो प्राइस है, जो सफरी प्राइस जिसे कहते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे पे करना पड़ेगा, इट इज़ एक्सपेंसिव, जैसा कि ये एरोप्लेन बहुत महंगा है इसका टिकट, एंड चीप एज वेल, तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं ना, सिर्फ महंगा है बल्कि सस्ता भी। आप इसमें सस्ती कौन सी चीज़ है, ट्रेन देखें, चीप सस्ती है, ट्रेन सस्ती है, बाइक्स सस्ती हैं, इस पर बहुत कम खर्चा आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बाइक पर चला जाऊँ यहाँ से सिब्बी, तो ख़र्चा कम आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, एंड आई विल प्रिपेयर वर्कशीट एंड दैट विल बी शेयर्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़ विद यू। थैंक यू।